अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आईफोन 14 मॉडल्स के एक्सपेक्टेड फीचर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें आज मैं आपके सामने दूसरा वीडियो ला रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आईफोन 14 सीरीज़ के बॉडी डिज़ाइन के ऊपर बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज उस कैटेगरी का दूसरा वीडियो है जिसके ऊपर मैं बात करूँगा आईफोन 14 सीरीज़ के जो डिस्प्लेज हैं उनके साइज़ क्या हैं और उनके टेक्नोलॉजी में किस किस्म का कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। फेस आईडी से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अंडर डिस्प्ले टच आईडी से रिलेटेड क्या र्यूमर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, या टच आईडी जो उसके जो पावर बटन में है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, नॉचलेस आईफोन्स के बारे में बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको एप्पल से रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 2022 में आईफोन 14 की जो लाइनअप है वहाँ पे भी हमें चार मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आईफोन 14 मिनी जो है एप्पल में भी उसको एक्सक्लूड कर दे, क्योंकि उसकी जो सेल्स एक्सपेक्टेशन थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, और उसकी जगह एप्पल शायद 6.7 इंच का एक नॉन प्रो मॉडल भी रिलीज़ करे। यानी कि इस वक्त जो करंट जो लाइनअप है उसमें आईफोन 13 प्रो मैक्स है 6.7 इंच में, उसके अलावा दो मॉडल जो है वो 6.1 इंच में, जिसमें आईफोन 13 प्रो और 13 सिंपल है, और एक छोटा मॉडल है आईफोन 13 मिनी। तो 13 मिनी को स्किप करते हुए एप्पल में भी अब एक ही स्टैंडर्ड साइज रखेगा, यानी 6.7 इंच में दो मॉडल रिलीज करेगा और 6.1 इंच में भी दो मॉडल रिलीज करेगा। यानी जो प्रो मैक्स हैं वो 6.1 इंच में, 14 प्रो मैक्स एक आएगा जो प्रो मॉडल होगा, और एक नॉन प्रो मॉडल होगा जिसका नाम आईफोन 14 मैक्स भी हो सकता है, आईफोन 14 प्लस भी हो सकता है। इस आईफोन का जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच एलईडी में ही होगा, लेकिन ये नॉन प्रो फीचर्स के साथ आएगा, यानी कि इसकी जो कैमरा डिपार्टमेंट है या बाकी सारी जो चीज़ें होंगी वो सिंपल जो नॉन प्रो मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली होंगी। और दूसरे एंड पे हमें 6.1 इंच में दो मॉडल नजर आएंगे, जिसमें आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 जो सिंपल मॉडल होगा वो होगा। सो ये बेसिकली आईफोन 14 की लाइनअप है, जो अगले साल हमें ये चार मॉडल अकॉर्डिंग टू रूमर्स देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें आईफोन 14 के फेस आईडी की और उसके डिस्प्ले के अंदर जो नॉच का जो एलिमेंट है, आपको पता है कि नॉच का जो डिज़ाइन है ये शुरू से ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, कि 2017 में जब आईफोन 10 में नॉच आई थी तो तब से ही लोगों को ये कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन फेस आईडी की वजह से एप्पल को ये मजबूरी है कि वो उसको डिस्प्ले के अंदर शामिल करता है, लेकिन 13 की सीरीज़ के अंदर एप्पल ने इसको थोड़ा सा श्रिंक किया है, लेकिन फिर भी नॉच का जो एलिमेंट है ये अभी भी जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉच बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। सो उसके बारे में कुछ र्यूमर्स हैं कि मिंगची क्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में, यानी जो नेक्स्ट ईयर आईफोन्स आ रहे हैं, वहाँ पर हमें नॉचलेस आईफोन देखने को मिल सकता है। सो इसको जो चेंज इसमें आएगा वो ये हो सकता है कि मे बी एंड्रॉइड इंडस्ट्री की तरह, जिस तरह वहां पे पंच होल कैमरा है, तो यहां पे भी आईफोन 14 की जो सीरीज है वहां पे पंच होल कैमरा हमें देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल आईफोन 14 की सीरीज में फेस आईडी को स्किप कर देगा, क्योंकि फेस आईडी एक मेन फीचर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए। सो उसके बारे में कुछ इस तरह की रूमर्स है कि उसको एप्पल जो है वो अंडर डिस्प्ले उसको शिफ्ट करेगा। अब अंडर डिस्प्ले फेस आईडी के ऊपर करंटली वर्किंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले एनालिस्ट रोज यंग, एप्पल 2022 में अपनी जो फेस आईडी को अपनी स्क्रीन के नीचे, यानी उसके डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट करेगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो अभी प्रोसेस में है, अभी मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस है। कितनी हद तक ये कामयाब हो सकता है, कितनी हद तक एप्पल इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि 2022 में क्या हमें पंच होल कैमरा नज़र आएगा या फिर यही नॉच देखने को मिलेगी। लेकिन करंटली जो वर्किंग है उसके मुताबिक ये हो सकता है कि 2022 के जो आईफोन्स हैं वहाँ पे हमें एटलीस्ट प्रो मॉडल के अंदर पंच होल कैमरा देखने को मिले, यानी वहाँ पे नॉच को अंडर डिस्प्ले शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ र्यूमर्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि एप्पल अभी रेडी नहीं हुआ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाने के लिए, तो मे बी 2023 तक या 2024 तक हमें वेट करना पड़े अंडर डिस्प्ले फेस आईडी का। क्योंकि आपको पता है कि अगर स्क्रीन के पीछे कैमरा जाता है तो कैमरा की जो एक क्वालिटी होती है, पिक्चर क्वालिटी, वो भी डिस्टर्ब होती है। सो लेट्स सी कि एप्पल पंच होल कैमरा के साथ किस तरीके से मैनेज करता है फेस आईडी को, क्योंकि ये एक बड़ा मेन फीचर है आईफोन की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। गाइज, अंडर डिस्प्ले फेस आईडी से
रिलेटेड ही एक और रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि बार्कले एनालिस्ट ये क्लेम करती हैं कि एप्पल जो है वो इस साल एक लेज़र बेस्ड टाइम ऑफ फ्लाइट आर्किटेक्चर यूज़ करेगा जो कि अलाउ करेगा फिजिकल चेंजेस जो कि डिस्प्ले से पीछे होते हैं, यानी ट्रू डेप्थ कैमरा जो है वो जो आपके फेस को डिटेक्ट करता है, फेस को रिकग्नाइज करता है, वो जो चेंजेस होंगे वो उनको अलाउ करेगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि मे बी एप्पल जो है वो एक यूनिबॉडी डिज़ाइन यूज़ करे और अपना जो मेन कैमरा है उसका जो है वो उसको थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा कर दे लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर दे, जिसमें यही चीज़ सामने आती है कि वो एक पंच होल होगा और उसकी बैक पे जितना भी आपका आर्किटेक्चर होगा, फेस आईडी का मैकेनिज्म होगा, वो एप्पल उसको इंस्टॉल कर देगा और जो आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा उसके लिए वो एक पंच होल बना देगा। सो गाइस, फेस आईडी से रिलेटेड ये कुछ र्यूमर थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये अभी करंटली इसको एप्पल टेस्ट कर रहा है लेकिन हो सकता है कि अगर एप्पल के स्टैंडर्ड्स को ये चीज़ें मीट ना करें, एप्पल के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं चीज़ों को मुतारफ़ करवाने के लिए, अगर वो उसको मीट नहीं करती तो एप्पल फिर इसको नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर सकता है। मे बी वो अभी प्रोसेस में रहें, उस पर करंटली जो भी काम हो रहा है वो होता रहे और फिर 2023 में या 2024 में एप्पल इसको मुतारफ़ करवाए। गाइस, फेस आईडी के साथ साथ कुछ रूमर्स हमारे सामने इस तरह की भी हैं कि एप्पल मे बी अंडर डिस्प्ले जो टच आईडी है उसको मुतारफ़ करवाए, लेकिन ब्लूमबर्ग के मार्क गर्मन के मुताबिक ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एप्पल जो है वो अपनी मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी फेस आईडी में कर रहा है, यानी फेस आईडी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको नॉच को ख़त्म करने के लिए, उसको बिहाइंड डिस्प्ले उसको शिफ्ट करने के लिए उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो मे बी टच आईडी के ऊपर, अंडर डिस्प्ले टच आईडी के ऊपर एप्पल इतना ज़्यादा काम ना करें। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एप्पल को इसके लिए ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि जो अंडर डिस्प्ले टच आईडी है वो ऑलरेडी बहुत सारी एंड्रॉयड जो मार्केट में फ़ोन्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है और वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है कि यानी उसके लिए आपको अपना मास्क नीचे नहीं करना पड़ता और अपने थंब से आप उसको बड़े आराम से फ़ोन को एक्टिव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर अंडर डिस्प्ले टच आईडी हमें नहीं भी मिलता तो एप्पल को अपना जो टच आईडी है उसको इसके पावर बटन में शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बंदा बड़े आराम से उसको बगैर मास्क नीचे किए फ़ोन को या आईपैड को उसको एक्टिव कर सकता है। और पावर बटन के अंदर जो टच आईडी की टेक्नोलॉजी है हमें रिसेंटली आईपैड मिनी का जो लेटेस्ट मॉडल है वहाँ पर भी हमें देखने को मिली, यानी वहाँ पर उसके पावर बटन के अंदर एप्पल ने उसके टच आईडी को शिफ्ट कर दिया जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, यानी आप बिना मास्क उतारे भी अपना आईपैड या अपना आईफोन जो है उसको अनलॉक कर सकते हैं। गाइस, जहां तक हम बात करें प्रोमोशन डिस्प्ले की, तो आईफोन 14 की लाइनअप में जो प्रो मॉडल्स हैं वो तो कंफर्म है कि वहाँ पे हमें आईफोन 13 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो की तरह प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ रूमर ये सजेस्ट करी हैं कि मे बी एप्पल अगले साल जो चारों के चारों मॉडल्स हैं वहाँ पे अपने जो डिस्प्ले है उसको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बना दें, यानी उसको प्रोमोशन में कन्वर्ट कर दे। लेकिन कुछ र्यूमर ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि एप्पल शायद ये जो फीचर है वो अपने प्रो मॉडल तक ही रिस्ट्रिक्ट करेगा क्योंकि अगर आप इसको नॉन प्रो मॉडल में भी शिफ्ट कर देते हैं तो मेन कोई बहुत ज़्यादा बिग डिफरेंस रह नहीं जाता सिवाय कैमरा के। कुछ कोरियन वेबसाइट है वहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि एटलीस्ट एक मॉडल होगा जो कि नॉन प्रोमोशन डिस्प्ले वाला होगा, यानी वहाँ पे हमें स्टिल 60 हर्ट्ज फ्रेम रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब वो मॉडल कौन सा हो सकता है, यानी वो मॉडल आईफोन 14 सिंपल भी हो सकता है या जो एक नया मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ कि आईफोन 14 मैक्स या 14 प्लस, इन दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं या किसी किस्म की भी आपको कोई हेल्प या गाइडलाइन चाहिए एप्पल से रिलेटेड, आईफोन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइज, ये था एक ओवरऑल वीडियो आईफोन 14 की लाइनअप के डिस्प्लेज के बारे में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको आईफोन 14 की लाइनअप का जो कैमरा एडवांसमेंट है, कैमरा के बारे में जो भी र्यूमर्स हैं उसके बारे में मैं अपना वीडियो लेके आऊँगा। आई डू होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पीस।